पल्ली के पवित्र भूमि पर विराजे अति सम्मानीय आर्च बिशप फिलिक्स, सम्मानीय बिशप इमानुएल, स्थानीय गडेरिए, सम्मानीय बिशप पत्रस मिंज अंबिकापुर के सेवानिवृत्त धर्माध्यक्ष, सम्मानीय पावल रायगढ़ धर्म प्रांत के चरवाहे, सम्मानीय थेदोर मस्करेनस डाटलगंध धर्म प्रांत के चरवाहे और नव अभिषिक्त धर्माध्यक्ष सम्मान्य विदुष पिंगल एक्का गुमला प्रांत के धर्माध्यक्ष। आप सभी प्रिय प्रोविंशियल्स, सभी पुरोहितगण, धर्म बहने, परम आदरणीय माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्रिय बेटे बेटियों, आज हम यहां पवित्र संस्कार गिरजा मुस्कुटरी की सदापति की यात्रा का जुबली मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसे हम ऐतिहासिक दिन के रूप में यादगार बनाने के लिए आए हैं। आज से 100 साल पहले इस जगह पर हमारे पूर्वजों के विश्वास की धरोहर स्वरूप इस गिरजे की नींव रखी गई थी। इस गिरजे को जिस रूप में हम आज देख रहे हैं, 100 साल पहले शायद यह एक झोपड़ी नुमा साधारण सा ढांचा रहा होगा, लेकिन वही झोपड़ी नुमा ढांचा हमारे पुरखों की आस्था और विश्वास का केंद्र था। उन दिनों जब पूरे समाज में अशिक्षा, अंधविश्वास, भुखमरी, बेट बिगाड़ी और शोषण का माहौल था, इस जगह पर एक गिरजे की स्थापना से लोगों के मन दिल में बेहतर जिंदगी की एक नई उम्मीद जगी। यहां एक कलीसिया की स्थापना से लोगों को एक साथ आने, उन्हें आशा और प्रोत्साहन प्रदान करने तथा अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सुनहरा अवसर मिला। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन के जीवन में 100 वर्ष की अवधि का एक विशेष महत्व होता है। लोग कहते हैं इसने शतक पूरा किया, या कहते हैं इसने शताब्दी हासिल की, जो कि एक महान गौरव का विषय होता है। मुस्कुटरी पल्ली के 100 वर्षों का इतिहास ऐसे ही चुटकी बजाते नहीं लिखा गया है, बल्कि इसके पीछे कई लोगों की कुर्बानी छिपी हुई है। अनेक लोगों के खून पसीना बहे हैं तथा असंख्य लोगों की त्याग तपस्या समाहित है। विभिन्न प्रकार की चुनौतियों, उतार चढ़ाव व सफलताओं विफलताओं के खट्टे मीठे अनुभवों से पोषित होकर यहां की कलीसिया इस 100 वर्षीय मुकाम तक पहुंची है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो ईश्वर के अमूल्य वरदान के चिन्ह है। यही हमारे मुक्तिदाता ईश्वर का महान आशीर्वाद है, जिसके लिए दिल से धन्यवाद देने के लिए हम आज यहां एकत्र हुए हैं। आज का पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 8 से 14 तक लिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से जुबली की बात कही गई है। कई लोग
जुबली शब्द का अनुवाद जयंती के रूप में करते हैं, बल्कि वास्तव में जुबली और जयंती में बुनियादी अंतर है जिससे समझना जरूरी है। जुबली इब्रानी भाषा के योबल शब्द से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ है नर भेड़ के सींग से बनी हुई तुरही। प्रारंभ में हमने तुरही की आवाज सुनी, पता नहीं वो नर भेड़ की सींग से बनी हुई थी कि पीतल के बनी हुई, लेकिन तुरही तो सुनी और हमने सुना। अतः जुबली पवित्र बाइबल से लिया गया शब्द है जिसका अर्थ है हर्षोल्लास। दुनिया में सबसे पहले जुबली मनाने की परंपरा मुझे लगता है आज से 1300 ईसा पूर्व बीसी में ही इसराइलियों ने शुरू की, क्योंकि यहोवा ने मूसा के द्वारा लेवी ग्रंथ 25 पद संख्या 10-14 में उन्हें आदेश दिया कि वे हर 50वें साल में जुबली मनाया करें, जिसकी घोषणा योबल फूंक कर अर्थात नर भेड़ के सींग से बनी हुई तुरही फूंक कर किया जाए। हर 50वां साल ईश्वर के अनुग्रह का वर्ष होगा जिसमें देश के सभी निवासियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा की जाएगी। हर एक को उसके गिरवी रखी हुई पैतृक संपत्ति लौटा दी जाएगी। हर एक कर्जदार को ऋण से छुटकारा और दासों को मुक्त कर दिया जाएगा। जब लोगों को इतनी सारी रियायतें दी जाएगी तो हर्षोल्लास के साथ उछलना कूदना स्वाभाविक ही था। यही असल जुबली अथवा हर्षोल्लास है जो लिवी ग्रंथ में अंकित किया गया है और जिससे आज हमने सुना। प्रिय माता पिताओ, भाइयों बहनों, आज मुस्कुटरी पल्ली वासियों का हर्षित होना उचित और न्याय संगत है। कहा जाता है जो अपना इतिहास नहीं जानता वह अपना विकास नहीं कर सकता। हर पल्ली वासी को यह जानना आवश्यक है कि मुस्कुटरी पल्ली ने काय उतार चढ़ाव झेलकर विगत 100 साल गुजारे हैं। इस शताब्दी में यहां की कलिसिया ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। नई योजना बनी, नए नए कार्यक्रम की शुरुआत हुई, नए नए भवन बने, नए नए लोगों को पल्ली समुदाय में शामिल किया गया। इस गिरजे की स्थापना से आसपास के गांव में सकारात्मक बदलाव आया। अशिक्षा, गरीबी और अन्याय से लड़ने का साहस मिला। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करने का प्रोत्साहन तथा शांति और न्याय की भावना को बहुत बढ़ावा मिला। आज इस संस्था को जिस स्थिति में हम देख रहे हैं इससे इस मुकाम तक पहुंचने में कितने लोगों ने कितने त्याग और बलिदान दिए हैं इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। आज यह पल्ली अपनी मजबूत जड़ें जमाए हुए अडिग खड़ी है तो इसका मुख्य कारण है कि कई लोगों ने इसकी बुनियाद को अपने पसीने और आंसू से सींचा है। अनेक शुभचिंतकों ने निस्वार्थ भाव से अपनी क्षमता के मुताबिक योगदान दिया है। उनमें से कुछ लोगों को तो हम याद करते हैं, लेकिन अधिकांश लोग गुमनाम रहकर ही इस संस्था को इसकी पहचान दे गए हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि आज से 100 साल पहले
कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति कैसे रही होगी। ना सड़कें थी, ना यातायात के साधन, ना बिजली थी, ना स्कूल की सुविधा। उन परिस्थितियों में यहां पर मिशनरियों का आगमन अंधेरे में रोशनी बिखेरना जैसा था। उन दिनों की तमाम असुविधाओं के बावजूद तत्कालीन उत्साही मिशनरियों ने प्रभु येसु के आदेश को गंभीरता से लिया। संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, मार्कुस अध्याय 16 पद संख्या 15। फिर संत मती अपने सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 36 और 38 में जिस तरह प्रभु येसु को यह देखकर तरस आया कि लोग बिना चरवाहे की भेड़ की तरह थके मांदे पड़े हुए थे, तितर बितर बिखरे हुए थे, ठीक वैसे ही हालत यहाँ के हमारे पुरखों की, हमारे हम आदिवासियों की थी। ऐसी परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य से लोगों को उबारने के उद्देश्य से मिशनरियों ने शिक्षा, स्वस्थ और समाज सेवा को विकास का साधन बनाया। कलिसिया की स्थापना के प्रारंभिक दिनों में जिन मुसीबतों और परेशानियों से पुरोहितों को जूझना पड़ा, उन्हें हम जुबली के जश्न में नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज का पवित्र सुसमाचार संत मती अध्याय 10 पद संख्या 16 से 31 इन्हीं परिस्थितियों के प्रति हम ख्रीस्त अनुयायियों को सचेत करता है। प्रभु येसु ने जब आदेश दिया कि संसार के कोने कोने में जाकर सारे सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ, तो उन्होंने यह कहते हुए सचेत भी किया, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। हम सभी जानते हैं कि स्वभाव से भेड़िया फुफार होते हैं और आक्रमण करने के लिए भेड़ों के बीच जाते हैं और भेड़ बकरियां भयभीत होकर इधर उधर भागने लगती हैं, तितर बितर हो जाती हैं। लेकिन यीशु का आह्वान है कि उनके अनुयायी भयभीत होने के बजाय निडर होकर सुसमाचार का प्रचार करें। प्रारंभिक मिशनरियों ने वैसा ही किया। उन्होंने हमारे लिए बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके सामने हर तरह की चुनौतियां थी, जैसे बोली भाषा की कठिनाइयां। जो भी मिशनरी शुरुआती दौर में आए थे, उन्हें आदिवासी बोली का ज्ञान नहीं था, परंतु वे यहां आकर सीखे। सामाजिक व सांस्कृतिक रीति रिवाज की भिन्नता, बहुत सी सामाजिक व सांस्कृतिक परंपराएं उनके समझ के बाहर थी। राजे रजवाड़े का दबाव और शोषण, राजाओं और जमींदारों की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता था। राजनीतिक दबाव और स्थानीय नेताओं का विरोध हर जगह व्याप्त था। प्रभु येसु का यह कथन कि वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे, तुम्हें कोड़े लगवाएंगे, तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उससे मुक्ति मिलेगी। प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, यही हम ईसाइयों के लिए अपने प्रभु और गुरु की ओर से सांत्वना और धैर्य बंधाने वाली वाणी है।
विरोध झूठी अपवाहें व शिकायतें, अत्याचार, सतावटें और अनावश्यक दबाव, यह सब ख्रिस्त अनुयायियों के जीवन का अभिन्न अंग है। मुस्कुटी पल्ली भी इससे वंचित नहीं रहा था। उस जमाने के लोग जो मिशन स्थापना के शुरुआती दौर में जीवित थे, वे ही इस बात के साक्षी हैं कि कितनी सतावट थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े होंगे, कितनों को कितना मार पड़ा होगा। जो सतावटें धैर्य पूर्वक उन्होंने झेली, प्रिय माता पिता भाई बहनों, उन्हीं के बदौलत आज हम सब एक बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। शुरुआती मिशनरियों और विश्वासियों की धार्मिकता, धीरज और साहस के परिणाम आज हम सब यहां उपस्थित हैं। इसी का जश्न मनाने का मौका आज हम सबको मिला है, क्योंकि आज हमने दूसरे पाठ में रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र में सुना है, कोई हमें ईश्वर के प्रेम से वंचित नहीं कर सकता, ना विपत्ति, ना संकट, ना अत्याचार, ना भूख, ना नग्नता, ना जोखिम, ना तलवार, ना मरण, ना जीवन, ना स्वर्ग, ना नरक भी, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना आकाश या ना पताल, कोई भी शक्ति हमें ईश्वर से वंचित नहीं कर सकता। और वह प्रेम है जिसे ईश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा दिया है। प्रिय माता पिता भाई बहनों, मुस्कुटी की कलीसिया एक मजबूत और जीवंत समुदाय है। यह गिरजा और पल्ली एक ऐसा स्थान है जहां लोग एक साथ आ सकते हैं और यहां आकर आपसी भाईचारे का अनुभव कर सकते हैं, यहां आकर अपनापन का महसूस कर सकते हैं, अपने विश्वास को जीवन अनुसार जी सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया को ख्रिस्तमय बना सकते हैं। यह सच्चाई है कि मुस्कुटी पल्ली में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे, कई लोग बहुत कुछ खोएंगे लेकिन बहुत कुछ पाएंगे, परंतु जिस मकसद से इस संस्था की स्थापना हुई है, आने वाली सदियों तक यह इस इलाके के लोगों को अपनी सेवाएं देती रहेंगी। मैं मुस्कुटी की कलीसिया को आने वाले शताब्दियों के लिए शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि यह पल्ली और गिरजाघर हमेशा अपने समुदाय के लिए अनुग्रह का स्रोत बना रहे तथा सहयात्री कलीसिया के सदस्यों एवं विश्वास के हर यात्री तीर्थ यात्री के लिए यह एक अधिक प्रकाश स्तंभ जैसा खड़ा रहे। परमपिता ईश्वर हम प्रत्येक को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उसका चिन्ह पिता और पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर पढ़ें।